कॉन्सेप्ट टेस्ट। पढ़ाए गए विषय पर अब कुछ क्विज लिए जाएंगे। अपनी किताब बंद कर लें। स्क्रीन पर अभी एक सवाल दिखाया जाएगा। इस सवाल के चार विकल्प होंगे। आपको इन चार विकल्पों में से अपना उत्तर चुनना है। ध्यान रहे कि आप किसी से बात ना करें और अपना उत्तर अपने पास ही रखें। तैयार हो जाइए। 24 और 56 का HCF और LCM क्या होगा? A 2 और 112, B 2 और 56, C 8 और 168 और D 8 और 56। सोचने का समय समाप्त। जब हम आपसे पूछें तो अपने उत्तर के लिए वोट दें। अपना हाथ उठाएं और दिखाएं। आपको अपनी संकल्प किताब के पीछे कॉन्सेप्ट टेस्ट के वोटिंग कार्ड्स मिलेंगे। अगर आपका उत्तर ए है तो ए का कार्ड दिखाएं, बी है तो बी का कार्ड दिखाएं, सी है तो सी का कार्ड और डी है तो डी का कार्ड। अगर आपके पास ये वोटिंग कार्ड्स नहीं हैं तो ए के लिए 1, बी के लिए 2, सी के लिए 3 और डी के लिए 4 दिखाएं। सबको एक ही समय पर वोट करना है। अपना ही उत्तर बताएं। आपको चर्चा करके अपना उत्तर बदलने का वक्त बाद में दिया जाएगा। तैयार हो जाइए। 3, 2, 1, वोट। अब अपने दोस्तों के साथ सवाल पर चर्चा करने के लिए 2 मिनट का समय लें। अपने मित्रों का उत्तर पूछें। यदि अलग है तो पूछें क्यों, यदि समान है तो चर्चा करें कि कैसे। चर्चा करें। चर्चा का समय समाप्त। अपने नए उत्तर के लिए वोट करें। तैयार हो जाइए। 3, 2, 1, वोट। आइए अब हम इसका उत्तर देखते हैं। इस सवाल का जवाब है सी, 8 और 168। आइए देखते हैं ये कैसे आया। हम 24 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 3, जो कि बराबर है 2³ × 3³। वैसे ही हम 56 को लिख सकते हैं 2² × 2² × 7 बराबर 2³ × 7³। हमने पढ़ा है कि HCF संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल होता है। यहां पर उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है 2, जिसकी सबसे छोटी घात है 3। इसलिए हमारा HCF आ गया 2³ = 8। हमने LCM के बारे में पढ़ा हुआ है कि संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल LCM होता है। आइए देखते हैं यहाँ अभाज्य कारक कौन कौन से हैं। अभाज्य कारक 2 है जिसका उच्चतम घात 3 है, अभाज्य कारक 3 है जिसका उच्चतम घात 1 है और अभाज्य कारक 7 है जिसका उच्चतम घात 1 है। इसलिए हम कह सकते हैं LCM बराबर 2³ × 3³ × 1 × 7³ बराबर 168। इसलिए हमारा उत्तर हो गया सी, 8 और 168।